पैसे की लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ बवाल। दोनों पक्षों की तरफ से हुए पथराव में एक व्यक्ति हुआ गंभीर घायल। पथराव से स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना के बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंची और झगड़े को शांत कराते हुए एक युवती सहित 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें, मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र के मोहल्ला दमदमा में दो पक्षों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर बवाल हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से पथराव होने लगे, जिससे मोहल्ला में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए झगड़े को शांत कराते हुए पथराव में घायल हुए युवकों को CHC सिकंदरा राव में भर्ती कराते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर एक युवती सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सर, जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव में पैसे को लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हाँ, ये मामला एक सिकंदरा राव के अंतर्गत दमदमा मोहल्ला है। यहाँ पर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो गई है। बाकी कार्रवाई चल रही है।